मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा ओवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कि एक बार को मान लें 99.999% तो ये चांस ही नहीं है कि आपको स्वाइन फ्लू हो, लेकिन 0.00001% मान लें कि एक बार को ये हो जाए तो क्या करें, तो भी घबराने की बात नहीं है। अपने पास आयुर्वेद में इतनी औषधियां हैं इस बीमारी को ठीक करने की, जितनी दुनिया में किसी पैथी में नहीं, और होम्योपैथी में भी इतनी दवाएं हैं जो और दूसरी पैथी में नहीं। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में अगर थोड़ी सी माहिती आपको है तो आप इस बीमारी से अपने घर में ही लड़ सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं, परिवार वालों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी औषधि है इस बीमारी के लिए वो है गुड़वेल और तुलसी, तुलस और गुड़वेल। गुड़वेल का काढ़ा, तुलस का काढ़ा बना के अगर कोई भी पी ले तो इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा बीमारी होने से पहले पी ले तो बीमारी आने का दूर दूर तक चांस नहीं है। प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। गुड़वेल आसानी से मिलती है, तुलस सबके घर में उपलब्ध है, इसमें कोई बहुत खर्चा होता नहीं। गुड़वेल की लकड़ी खरीदें 2-3-4 रुपए में आसानी से मिल जाती है। उस लकड़ी का इतना बड़ा भाग छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, एक गिलास पानी में उबाल लीजिए, पानी उबलते हुए आधा हो जाए फिर उसको उतार लीजिए, तुलसी पत्ते उसमें डाल लीजिए उबलते समय, और जब पानी पीने लायक हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तब उसको दिन में 3-4 बार में पी लीजिए, बस इतना काफी है। तो वायरस एंट्री करेगा नहीं, प्रिवेंटिव आप हो जाएंगे, आपकी प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी और वायरस तो नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो भी इसी औषध को 2-3 दिन पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। ताप भी उतर जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, जुकाम खत्म हो जाएगा, सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए या इस स्वाइन फ्लू के वायरस को निष्प्रभावी करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान ने और एक दवा बनाई है, उसका नाम है गोमूत्र। तो आप गोमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। गाय जो देशी गाय है, अपनी गाय आप जानते हैं, देशी गाय जिसके कंधे पर ऐसे कांधा निकला रहता है, तो देशी गाय का मूत्र और अगर उसकी बछड़ी है बाछी उसका मूत्र तो सबसे अच्छी औषध है इसके लिए। तो आधा कप मूत्र पी सकें देशी गाय का सुबह सुबह खाली पेट, 3-4 दिन ही पी लेंगे उतने में ही वायरस खत्म हो जाए, ब्लड से ही खत्म हो जाए, तो देशी गाय का मूत्र पी सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है, बहुत लोग कहेंगे हम शहर में रहते हैं, गाय नहीं है, गौशाला नहीं है, मूत्र नहीं मिल सकता, तो उनके लिए विकल्प है कि गोमूत्र का अर्क मिलता है, पतंजलि चिकित्सालय में है और कहीं भी दूसरी जगह मिलता हो, तो देशी गाय के मूत्र का जो अर्क है वो अर्क पी लीजिए, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। अर्क जो है 2 ही चम्मच काफ़ी है सुबह और शाम खाली पेट। मूत्र जो अगर पीना हो तो आधा कप 50 मिलीग्राम, लेकिन अर्क पीना हो तो 2 चम्मच 10 मिलीग्राम। तो 2 चम्मच गाय का मूत्र अर्क सुबह, 2 चम्मच गाय मूत्र अर्क शाम को खाली पेट पी लीजिए। सुबह खाली पेट तो आसान है, शाम को खाली पेट का मतलब क्या है? शाम को खाली पेट का मतलब है भोजन करने से 1-1.5 घंटे पहले, तो भी आपका ये वायरस जो H1N1 है ये खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे गोमूत्र में ऐसी क्या विशेषता है, गोमूत्र में एक बहुत ज़बरदस्त केमिकल है उसका नाम है सल्फर, और ये सल्फर वो केमिकल है जो किसी भी वायरस को मार सकता है। सल्फर एक तरह का जहर है जिसको हम हिंदी में गंधक कहते हैं। आर्सेनिक भी जहर है, इसको संखिया कहते हैं, मालूम है? वो ही संखिया से दवा बनती है ये वायरस को मारने वाली, क्यों? जहर ही जहर को मार सकता है, ये आयुर्वेद का सबसे पुराना सिद्धांत है।
तो ये वायरस एक तरह का इन्फेक्शन लाके जो जहर की स्थिति शरीर में बना देता है, उस जहर को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए जहर ही लगता है।